अस्पतालों में आवारा पशुओं का कब्जा। सरकारी अस्पतालों में एक बार फिर आवारा पशुओं के कब्जे का ये मामला सामने आया, जहां पर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की बेड पर कुत्ता फरमाते दिख रहा है। श्रावस्ती से खबर, जहां पर एक बार फिर प्रशासन की स्वास्थ्य प्रशासन की लापरवाही, जहां अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की बेड पर कुत्ता सोते हुए दिख रहा। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से बन चुका है लापरवाह। आवारा कुत्तों के काटने से कई बार घटनाएं आ चुकी हैं सामने, फिर उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन में परिसर में बिस्तर पर कुत्ता सोते हुए दिखा, जिससे स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से लापरवाही। आवारा कुत्तों के काटने से कई बार लोग इसका शिकार हो चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलियापुर और जिला अस्पताल का ये मामला सामने आया, जहां पर एक बार फिर अस्पताल प्रशासन में आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर अस्पताल परिसर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक तरफ मरीज बैठे हुए दिख रहे हैं तो वहां आप अंदर ये गाय को खड़ा हुआ देख सकते हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है स्वास्थ्य प्रशासन पर, जहां पर लगातार सरकार के द्वारा लोगों को एहतियात बरतने की बात कही जाती है और फिर ये लापरवाही सामने आ रही। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अस्पताल है और यहाँ अस्पताल प्रशासन के जो अस्पताल का जो बेड है, वहां पर मरीज की जगह ये कुत्ता जो है आराम फरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपको बता दें कि लगातार कुत्तों के काटने से भी कई मामले सामने आ चुके हैं और अब एक बार फिर जिला चिकित्सालय में जो जानवरों का मामला दिख रहा है, जहां पर एक तरफ गाय खड़ी हुई अस्पताल परिसर के अंदर दिख रही है तो वहीं पर अस्पताल के बेड पर सोया हुआ कुत्ता नजर आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ये सामने आ रही है। चाह लगातार लोगों को इलाज का, जहाँ पर डेंगू का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है और जहाँ पर लोगों के लिए, मरीजों के लिए बेडों की सुविधा होनी चाहिए, तो वहीं पर इन बेडों पर अब कुत्ते आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, इस पर हमारे साथ संवाददाता केपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केपी सिंह, ये जो मामला सामने आ रहा, जहां पर हम देख सकते हैं कि जहां अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही सामने आ रही है, जहां कुत्ता बिस्तर पर बैठ कर आराम फरमाते दिख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल साथी, देखिए श्रावस्ती की जहाँ तक हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात चरमराई हुई है लगातार, यहाँ पर चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, आए दिन कोई ना कोई ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं जो निश्चित शर्मसार करने वाले होते हैं। और ये जो है मल्लिकपुर सीएचसी और जिला अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से गोबर जो है जिला अस्पताल सीएससी के अंदर घूम रहे हैं और कुत्ते जो मरीजों के लेटने के लिए बेड होते हैं उस पर कुत्ते आराम फरमा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बदहाली इसे कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जितना सब कुछ होने के बावजूद भी जिम्मेदारों किसानों पर जो तक नहीं देखता है, उनसे सवाल किए जाते हैं तो उनका ढुलमुल जवाब होता है कि आप देखवाएंगे इसके बाद कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो होता है, कुछ नहीं होता है। और यही कारण है कि लगातार जो है जो वहाँ के कार्यरत कर्मचारी उनके हौसले बुलंद हैं और लगातार जो है उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी केपी सिंह, कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके की घटना सामने आ रही है, ये अस्पताल प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये हम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केपी सिंह। तो आपको बता दें कि एक बार फिर लापरवाही अस्पताल प्रशासन की सामने आ रही, जहाँ पर अस्पताल के अंदर दिख रहे जानवर।